हेलो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी साइंस क्लास एट्थ चैप्टर सिक्स कम्बसन एंड फ्लेम लेट्स वी इंट्रोड्यूस अबाउट द चैप्टर वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ एक्टिविटी वेयर वी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी हम किसी भी ऐसी लाइफ एक्टिविटी के बारे में नहीं सोच सकते जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती है इन दिस एनर्जी अवेलेबल इन द फॉर्म वी यूज इट क्या एनर्जी अवेलेबल है किसी ऐसे फॉर्म में जिसका हम यूज़ करते हैं एग्जैक्टली exactly नॉट नहीं वी यूज फ्यूल लाइक फायर वुड केक्स, चारकोल कोल कैरोसिन एंड कुकिंग गैस फॉर कुकिंग एंड हीटिंग तो हम फ्यूल जैसे कि वुड है काउडंग केक्स चारकोल कोल कैरोसिन और कुकिंग गैस कुकिंग के लिए हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं हीयर हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम द फ्यूल ओनली वैन दिस फ्यूल अंडरगोस कम्बसन यहाँ पर हीट एनर्जी आती है केवल वो फ्यूल से आती है ओनली वैन ये जब ही आती है देन फ्यूल अंडरगोस कम्बसन जब फ्यूल का फ्यूल जब कम्बसन होता है अदरवाइज इट वुड रिमेन हिडन इन द फ्यूल नहीं तो ये फ्यूल में हिडन रूप में रहती है पेट्रोल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सी एन जी एंड डीजल गिव्स एनर्जी फॉर ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल कंप्रेसड नेचुरल गैस मीन सी और डीजल ये भी एनर्जी देते हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए ऑल फ्यूल रिलीज हीट ऑन बर्निंग एंड डिफर इन एफिशिएंसी सभी फ्यूल रिलीज करते हैं हीट को बर्निंग करने पर और इनकी एफिशिएंसी भी डिफर होती है सभी फ्यूल की एफिशिएंसी डिफर होती है बट हाउ डज बर्निंग स्टार्ट लेकिन बर्निंग किस तरह से शुरू होता है वट एपं टू द बैक्स वैन अ कैंडल इज बंट क्या होता है एक बैक्स का जब कैंडल को जला दिया जाता है वट हैपन्स टू नेचुरल गैस और कैरोसिन वेन इट इज़ बर्न और नेचुरल गैस और कैरोसिन का क्या होगा जब ये जलता है द वी शल ट्राई टू फाइंड द आंसर टू सम ऑफ सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इसलिए हम इस चैप्टर में इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर को फाइंड करेंगे वट इज कम्बसन यू हैव लर्न दैट when magnesium इज़ हीटेड इन एयर इट catches फायर एंड burns विद dazzling व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूसिंग a लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमने सीखा है कि जब हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं एयर में और इसमें जब आग लग जाती है तो ये डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के प्रोड्यूस करता हुआ हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है सिमिलरली वैन स्ट्रिप ऑफ पेपर बॉट नियर ए कैंडल फ्लेम इसी तरह से एक कागज़ की स्ट्रिप को हम कैंडल फ्लेम के पास लाते हैं इट वांस टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी तो ये भी जलकर हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है द चारकोल ऑन हीटिंग वंस टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड डल रेड लाइट चारकोल भी हीटिंग करने ऑन हीटिंग बर्न टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है एंड डल रेड लाइट को भी प्रोड्यूस करता है द मटेरियल विच बर्ंस आर कॉमनली कॉल्ड कम्बसिबल मटेरियल ऐसे मटेरियल जो बर्न होते हैं उन्हें हम कॉमनली कमसेबल मटेरियल कहते हैं द एयर ऑफ ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर और कम्बसन और एयर या ऑक्सीजन जो कि बर्निंग में हेल्प करती है उसे हम सपोर्टर ऑफ कम्बसन कहते हैं एंड द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कम्बसन और जो केमिकल रिएक्शन होती है दहन करने में जो केमिकल रिएक्शन होती है और उससे हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कम्बसन कहते हैं द कॉज ऑफ फायर वाज मिस्ट्री फॉर मैनी एक मिस्ट्री बना हुआ था नो लॉन्गर वॉट लॉन्गर आफ्टर ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड एंटोनियो आंटेनियर रियलाइज दैट दिस न्यू एलिमेंट वाज द मिसिंग पीस ऑफ द पजल नीडेड टू एक्सप्लेन कम्बसन कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बाद एंटोनी एंटोनीम लेवाइजर ने रियलाइज़ किया था कि एक कोई नया एलिमेंट है जो मिसिंग पीस के रूप में है और कम्बसन को एक्सप्लेन करने में ज़रूरत होती है उसको कम्बसन करने में ज़रूरत होती है तो जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बाद ये पता चल गया था कि ऑक्सीजन ही जलने में सहायक है ही कैरीड आउट ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूडेड उसने कई नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट की और कंक्लूड किया दैट द फायर वाज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कि फायर एक परिणाम है एक केमिकल रिएक्शन का बिटवीन ए बर्निंग सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन बर्निंग सब्सटेंस के बीच और एक ऑक्सीजन के बीच दिस मार्ग द एंड ऑफ एल्केमी एंड द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड और ये प्राचीन रसायन का एंड हो गया था उस समय और एक नए मॉडर्न पीरियड की बिगनिंग हो गई थी द थ्री थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑक्सीजन एंड हीट तो बर्निंग के लिए ऐसी तीन चीज़ें हैं जो जरूरी है एक तो फ्यूल ऑक्सीजन और हीट फ्यूल क्या है ए सब्सटेंस दैट बर्नस टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्यूल है एक ऐसा सब्सटेंस जो बर्न करने पर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन वहन सब्सटेंस बर्न इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन जब कोई सब्सटेंस बर्न होता है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड थर्ड इज हीट दिस इज़ नीडेड टू स्टार्ट ए फायर ये जरूरत होती है एक फायर के लिए एंड कीप इट बर्निंग और उसको बर्निंग की पोजीशन में बनाए रखती है इफ़ यू रिमूव वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इट विल कॉलेप्स यदि तुम एक फायर ट्राइंगल को रिमूव फायर ट्रायंगल ट्राइंगल की एक साइड को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा ये नष्ट हो जाएगा दिस मीन्स दैट इफ़ यू डेप्राइव ए फायर ऑफ आइदर फ्यूल और ऑक्सीजन और हीट दैन इट विल गो आउट और इसी प्रकार से आप फायर में से फ्यू आइदर फ्यूल और ऑक्सीजन या हीट में से किसी एक चीज़ को आप हटा देंगे दैन इट विल गो आउट तो ये भी बुझ जाएगी आग द टर्म बर्निंग इज कॉमनली यूज वेन ए सब्सटेंस कैच फायर तो जो टर्म बर्निंग है वो कॉमनली यूज किया गया है ऐसे सब्सटेंस के लिए जो आग पकड़ता है वेर एज द टर्म कम्बशन इज यूज वैन ए सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड अंडर गोज अ केमिकल रिएक्शन और जबकि कम्बशन बर्ड जो यूज किया गया है बर्न के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो बर्निंग होती है एंड और उसके साथ में केमिकल रिएक्शन होती हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं ऑल दो बर्निंग इज अनदर वुड वर्ड फॉर कम्बसन इसलिए यद्यपि बर्निंग एक दूसरा वर्ड है कम्बसन के लिए द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बसन इज सेट टू बी कम्बसिबल ऐसा सब्सटेंस जो कम्बसन में जाता है कम्बसन के लिए यूज होता है उसे कम्बसिबल सब्सटेंस कहते हैं एंड इज ऑल्सो काल्ड फ्यूल और उसे हम फ्यूल भी कहते हैं अब हैं कुछ डेफिनेशंस जो कम्बसन और कम्बसेबल मटेरियल के बारे में है इनको हम अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं तो सबसे पहले देखते हैं कंबसन के बारे में द केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस बर्नस इन एयर और ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कम्बसन कम्बसन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस एयर की ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होता है और हीट एंड लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है कंबर्बल मटेरियल ए मटेरियल ऑन हीटिंग इन एयर और ऑक्सीजन इजीली कैच फायर एक मटेरियल जो हीटिंग करने पर एयर में हीट करने पर और ऑक्सीजन के साथ में इजीली आग को पकड़ लेता है एंड रिलीज हीट और एनर्जी को रिलीज करता है इसलिए से हम कंबर्सेबल मटेरियल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑफ कंबसन आर गिवन बिलो कार्बन बर्ंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाईआक्साइड कार्बन एयर की प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाईऑक्साइड प्रोड्यूस करता है मीथेन बर्ंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाईआक्साइड और मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और एल पी जी बर्ंस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और एल पी जी भी बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करती है तो लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू लर्न मोर अबाउट कम्बसन इसलिए हम कुछ एक्टिविटीज़ को देखेंगे ये एक्टिविटी फर्स्ट है एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्बसेबल सब्सटेंस बुट पेपर कोल चारकोल को हाइड्रोजन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नेचुरल गैस पेट्रोल कैरोसिन डीजल फर्नेस ऑयल एल्कोहल ईथरबैंजीन ई टी सी आर सम कम्बसेबल सब्सटेंस तो ये सभी कम्बसबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं एक्टिविटी टू यहाँ पर तीन कैंडल्स को लिया गया है कैंडल ए बी और सी पहली जो कैंडल है ए कैंडल उसमें आप देख रहे हैं ये ओपनली रखी हुई है और इस ये बहुत तेज अच्छी लॉ के साथ जल रही है एंड सेकंड कैंडल है बी ये इसको हमने ढक रखा है तो ये फ्लिक करी होकर जल रही है मतलब ये फड़फड़ाती हुई इसकी लॉ फड़फड़ाती हुई जल रही है और तीसरी कैंडल है इसको हमने उल्टे एक जार से ढक दिया है और इसका एयर से कनेक्शन ख़त्म हो गया है एयर का कनेक्शन कट ऑफ होने की वजह से ये कैंडल भी पुट आउट हो जाती है यानी बुझ जाती है इस प्रकार से ये तीनों एग्जाम्पल में ये सो हो रहा है कि एयर जरूरी होता है बर्निंग करने के लिए सपोर्टर ऑफ कम्बसन सब्सटेंस विच हेल्प इन द कम्बसन इज ए मटेरियल इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कम्बसन ऐसा सब्सटेंस जो कंबसन में हेल्प करता है उसे हम कम्बसेबल मटेरियल कहते हैं जैसे कि एयर इन इन मैनी होम्स स्पेशली इन द ब्लेज चूला सिगड़ी कैरोसिन बिक स्टोव एंड कैरोसिन प्रेशर स्टोव आर यूज फॉर द कम्बसन ऑफ फ्यूल टू कुक फूड कई गाँव में और घरों में चूल्हा सिगड़ी कैरोसिन कि बत्तियों वाले स्टोव और प्रेशर स्टोव का यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में और फूड को कुक करने के लिए इन ऑल दिस इक्विपमेंट ऑफ कम्बसन ऑफ़ फ्यूल प्रोविजन इज मेड फॉर सप्लाइंग द सपोर्टर ऑफ कम्बसन लेकिन इन सभी इक्विपमेंट में एक सिस्टम रहता है कि सप्लाइंग सपोर्टर जैसे ऑक्सीजन जो होती है उसको प्रोवाइड किया जाता है कम्बसन टेक प्लेस इन द एबसेंस ऑफ एयर फॉर एग्जाम्पल कम्बसन भी एक एयर की अनुपस्थिति में भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम बर्नस इन द एटमोसफियर ऑफ क्लोरिन सोडियम क्लोरिन के एटमोसफियर में बर्न किया जाता है सोडियम एंड पोटेशियम बर्नस इन वाटर और सोडियम और पोटेशियम वाटर में भी बर्न होते हैं इनफैक्ट कम्बसन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो सच तो ये है कि कम्बसन जो है एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इन विच क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन सल्फर ई टी सी कुड बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसमें ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन सल्फर ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिमिलरली सिमिलरली कम्बसन इज केसिस ऑफ फायर क्रैकर्स एंड ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसी प्रकार से कम्बसन जैसे सभी प्रकार के, के फायर क्रैकर्स और जितने भी एक्सप्लोजिवस होते हैं उनमें भी एयर एबसेंस की एयर में कम्बसन किया जाता है हा एवर देयर इज इंटरनल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एक के डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन की एक इंटरनल सप्लाई की जाती है सच एज पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम नाइट्रेट इसके एग्जाम्पल है एग्जाम्पल टू प्रूव दैट सपोर्टर ऑफ कम्बसन इज नेसेसरी फॉर कम्बसन ऑफ ए मटेरियल ये प्रूव करने के लिए कि सपोर्ट कम्बसन के सपोर्टर जरूरी होता है किसी भी कंबसवेन मटेरियल को फर्स्ट वेन सेंड इज पोअर्ड ओवर सम बर्निंग मटेरियल जब किसी जलते हुए मटेरियल पर हम रेत डाल देते हैं तो फायर गोज ऑफ यानी फायर बुझ जाती है इट इज़ बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर विच सपोर्ट्स द कम्बसन इज कट ऑफ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर की जो सप्लाई है कम्बसन होने में रुक जाती है बंद हो जाती है इसलिए यह कम्बसन कट ऑफ हो जाता है क्योंकि एयर नहीं मिल पाती है रेत ढकने की वजह से सेकेंड इफ़ द क्लॉथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो ही इज इमीडिएटली रैप्ड इन द थिक ब्लैंकेट तो उसको तुरंत ही एक मोटे कंबल से लपेट दिया जाता है द तो ब्लैंकेट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर क्योंकि ब्लैंकेट क्या करता है कि एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है और द सपोर्टर ऑफ कम्बसन एनहेंस द फायर गोज ऑफ और सपोर्टर ऑफ कम्बसन नहीं मिल पाता है नहीं मतलब एयर नहीं मिल पाती है और इसलिए उसको फायर बुझ जाती है हाउ यू हैव यू एवर थाट वाई पेट्रोल इन ए कैन डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल कैन में होता है तो इस स्वयं ही आग क्यों नहीं लगती और भाई एल पी जी गैस सिलेंडर डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन और एल पी जी गैस सिलेंडर में आग क्यों नहीं लगती है एनी कम्बसेबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर कोई भी सब्सटेंस कम्बसेबल सब्सटेंस होता है उसमें आग नहीं लगती है जब तक नहीं लगती है ये उसको हीट ना किया जाए किसी सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर तक लेट्स परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू लर्न अबाउट लर्न मोर अबाउट कम्बसन तो हम एक एक्टिविटी कुछ है, और भी एक्टिविटी है जिसमें कम्बसन के बारे में सीखेंगे एक्टिविटी थ्री टेक टू पेपर कप्स इसमें क्या है कि दो हमें पेपर कप लेना है एक तो पेपर कप को ब्लैंक रखना है दूसरे पेपर कप में पानी भर देना है और इन दोनों कप को हमें एक स्प्रिट एक स्प्रिट लैम्प बर्निंग स्प्रिट लैम्प के नीचे को नीचे से के ऊपर रख देना है बर्निंग स्प्रिट लैम्प के ऊपर ये दोनों कप जैसे कि 6.4 जो, जो फिगर है इसमें रखी हुए हैं इस प्रकार से रख देना है तो इसमें जो फर्स्ट कप है ये वाला कप तो तुरंत जल जाता है कि ये ब्लैंक रहता है ये तुरंत जल जाता है लेकिन जो दूसरा कप है जिसमें पानी भरा हुआ है ये नहीं जलता है क्योंकि इसमें जो वाटर है वो स्प्रिट लैम्प की हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है तो ये मतलब फ्रॉम द एबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड द सम मिनिमम टेम्परेचर इज इसेंशियल फॉर द कम्बसिबल सब्सटेंस इस एक्टिविटी के द्वारा हम ये जानते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर जरूरी होता है किसी भी सब्सटेंस कम्बसिबल सब्सटेंस के लिए बिफोर इट कैच फायर दिस मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर और इस मिनिमम टेम्परेचर को ही हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं डेफिनेशन द मिनिम टेम्परेचर टू विच ए कम्बसिबल सब्सटेंस मस्ट वी हीट बिफोर इट कैच फायर ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कम्बसिबल सब्सटेंस को हीट किया जाना चाहिए और उसके आग लगने से पहले उसे हम गर्म करते हैं उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं एग्जाम्पल इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्पोरस का होता है थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सो अनलेस द फॉस्पोरस इज हीटेड टू थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इट विल नॉट कैच फायर यदि फॉस्फोरस को हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड के पर जब तक हम गर्म नहीं करते इसमें आग नहीं लगती है इट विल नॉट कैच फायर हाउ एवर इफ़ टेम्परेचर ऑफ एयर इज थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड और मोर यदि किसी एयर का टेम्परेचर थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक हो जाता है तो फॉस्फोरस विल कैच फायर विदाउट हीटिंग तो फॉस्फोरस बिना हीट की हुई जलने लगता है इमेज स्टिक कैन लाइट अप एल्कोहल बेंजिन ईथर पेपर एंड एल एक जी एक भी भी अप कर सकती है एल्कोहल को बेंजीन को ईथर पेपर और एल को ए लॉग ऑफ वुड कैन नॉट लाइट अप बाय द स्टिक जबकि एक लकड़ी का लट्ठे को हम स्टिक के द्वारा लाइट अप नहीं कर सकते हैं सो फॉर एल्कोहल बेंजीन, ईथर एंड एल द इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सभी का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है एंड फॉर लॉग ऑफ वुड इट इज़ वेरी हाई और लॉग ऑफ वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा ज़्यादा होता है दस द कम्बसिबल सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर वन इजीली एंड दोज हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर कैन नॉट कैच फायर इजिली इसलिए ऐसे कम्बसिबल सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है तो ये जल्दी इजीली बर्न होते हैं और जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उनमें इजीली आग नहीं लगती है इस सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर ऑन बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें आग नहीं लगती है जब तक कि इस टेम इसे हम लोअर इग्निशन टेम्परेचर तक ना लाएं। वह नहीं बर्निंग स्टिक इज़ बॉट नियर द कैंडल विक जब हम एक बर्निंग मैच स्टिक को एक कैंडल के कैंडल विक के पास लाते हैं इट हीट्स द दिक ऑफ कैंडल तो सबसे पहले यह क्या करती है कैंडल की बिक को हीट करती है टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर तक एंड द कैंडल विक स्टार्ट बर्निंग और कैंडल बिक स्टार्ट हो जाती है जल, जलना शुरू हो जाती है दस कम्बशन ऑफ एनी सब्सटेंस ओनली टेक्स प्लेस बैन द सब्सटेंस अटेंस इट्स इग्निशन टेम्परेचर तो इस प्रकार से जो कम्बसन होता है किसी भी सब्सटेंस का वो जब ही होता है जब कोई सब्सटेंस में उसका स्वयं का इग्निशन टेम्परेचर होता है इनफ्लेबल सब्सटेंस द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर आर कॉल्ड इनफ्लेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जिनका टेम्परेचर लो इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होता है उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं जैसे कि ये ईथर कार्बन डाइसल्फाइड बैंजिन पेट्रोल एल पी जी सिंथेटिक फाइबर ये सभी इन्फ्लेबल सब्सटेंस हैं और इनका इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होता है एग्जाम्पल टू प्रूव दैट एक्सेस सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कम्बसन लीड्स टू कम्प्लीट कम्बसन कुछ एग्जाम्पल हैं ये प्रूव करते हुए एग्जाम्पल हैं कि सपोर्टर ऑफ कम्बसन लीड्स टू कम्प्लीट कम्बसन फर्स्ट भैन वुड इज बंट इन ए चूल्हा जब लकड़ी को चूल्हे में जलाते हैं देन गैप आर लेफ्ट बिटवीन द बैरियस लॉग ऑफ वुड दीज गैप्स आर लेफ्ट फॉर द एयर टू एंटर द चूला टू प्रोवाइड सपोर्टर ऑफ कम्बसन तो लकड़ियों को इस प्रकार से लगाया जाता है कि उनके बीच में गैप छोड़ दिया जाता है ताकि एयर हम प्रोवाइड कर सकें जो कि सपोर्टर ऑफ कम्बसन होता है और जो कि जल जलने की प्रोसेस में सहायक होती है इन्हें सिगड़ी और अंगीठी वेयर इज विच इज़ यूज टू बर्न कोल और चारकोल और सिगड़ी और अंगीठी जिसमें कोल और चारकोल यूज़ किया जाता है बर्निंग के लिए और उसमें आयरन के गैरेट लगा दिए जाते हैं तो उन आयरन के गैरेट के बीच में भी स्पेस छोड़ दिया जाता है दिस गैरेट इज प्रोवाइड सप्लाई द सपोर्टर ऑफ कमसन तो ये गैरेट क्या करते हैं सपोर्टर ऑफ कमसन मतलब एयर की सप्लाई करने में हेल्प करते हैं ताकि कोयले को बर्न किया जा सके द बर्नर्स ऑफ कैरोसिन प्रेशर स्टोव एंड कुकिंग गैस स्टोव आर डिज़ाइंड इन सच ए वे दैट दे टेक एडिकेट सप्लाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर फॉर द प्रॉपर कम्बसन ऑफ फ्यूल इसी प्रकार से कैरोसिन प्रेशर स्टोव के बर्नर्स होते हैं या कुकिंग गैस स्टोव को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो सके और सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन को ले सके इस और इनमें कंप्लीट कम्बसन हो सके फ्यूल का तो इस प्रकार से इनको बनाया जाता है ए ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल इंडिकेट्स द कंप्लीट कम्बसन ऑफ द फ्यूल एक नीली ज्वाला के साथ जलना किसी भी फ्यूल का ये इंडिकेट करता है कि कंप्लीट कम्बसन हुआ है इट शोज दैट द फ्यूल इज गेटिंग सफिशियंट ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट बर्निंग और ये ये शो करता है कि फ्यूल को जलने के लिए सफिशियंट ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है